हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और लॉकडाउन के अंदर आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपको प्रोवाइड करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमेशा उपस्थित है एनपीएस नोयावाली। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीएस नोयावाली। मैं वकील गोदारा आपके सामने फिर उपस्थित एक नई वीडियो लेके। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 10th का, जो हमारा टॉपिक चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जिसके अंदर हमने 12.1 और 12.2 दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसकी तीन वीडियो जो हम अपलोड कर चुके हैं और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपका आ भी चुका है उसमें। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3, जो भी काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज को करने से पहले जो फॉर्मूले हमने किए थे, जो मैंने बताया था 12.2 में कि ये जो फॉर्मूले हैं वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो 12.3 के अंदर काम आएंगे, तो वही फॉर्मूले जो है एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि एक्सरसाइज करें तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारा पहला सम है 12.3 का, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी अब जितने सम होंगे उसे हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना होगा, और शेडेड कैसे बनेगा, किसमें से क्या माइनस किया जाए या किसमें क्या ऐड किया जाए, वो हमें चेक करना होगा। इसमें दे रखा है पीक्यू इक्वल टू 24, तो इसमें ये जो पीक्यू है आपकी ये 24 है और आरपी है जो 7 है, 7 सेंटीमीटर है, ये यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यानी पी क्यू आर कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये आपका बनता है सेमी सर्कल। अगर मैं इस सेमी सर्कल में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो किसका बचेगा, शेडेड रीजन का बचेगा। लेकिन मैं करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो हम सेमी सर्कल का एरिया माइनस करेंगे उसके लिए हमारे पास रेडियस होना बहुत जरूरी है। रेडियस नहीं है तो, रेडियस नहीं है तो हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रायंगल जो पी क्यू आर है उसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्योंकि यहां 90 डिग्री का एंगल है तो सामने हाइपोटेनियस होगा, बेस का स्क्वायर, आरपी का स्क्वायर और परपेंडिकुलर पी क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आरपी हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर ये 24 का स्क्वायर, यानी आर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 576, 625 हो गया। और आर क्यू क्या रह गया, इधर से स्क्वायर हटाएंगे ये रूट हो जाएगा 625 का, यानी 25 सेंटीमीटर आपके पास आर क्यू है। और आर क्यू क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर कितना है 25 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आएगा 25/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। देखिए यहां पे ये सेमी सर्कल हो गया, इसमें से ट्रायंगल का निकालूंगा तो क्या रह जाएगा, शेडेड रीजन आपके पास रह जाएगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/2 पाई कितना है 22/7, और रेडियस हमने कितना निकाला है 25/2 × 25/2, 1/2 ट्रायंगल में बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो 7 × 24, देखिए 2 पे 11, तो एलसीएम आ गया 7 × 14, 14 × 28, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे 25 × 25, 625 की मल्टीप्लाई करूंगा 11 से, 25 × 11, 5 × 55, 11 × 2 = 22 और 7 और कैरी रह गया आपका 22 × 27, 2 रह गया 68, यानी 6875 रह गया। माइनस 2 से करूंगा 12, 12 × 7 = 84। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए आप 28,
तो यहाँ आ गया 6875 माइनस, इसका एलसीएम 28 है, तो इसकी मल्टीप्लाई 28 से करूंगा 84 की, 84 की मल्टीप्लाई 28 से, 8 4 32 3 और 8 8 64 और 4 2 8 यानी 72 और 3 75 कैरी 7 आ गई 16 और 723 यानी 2352 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो 3 7 में से 2 8 में से 5 4 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका रहेगा वो शेडेड रीजन का एरिया रहेगा। तो शेडेड रीजन कैसे निकालना है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि किस में से कौन सा पार्ट हम माइनस करें। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ द टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कौन सा होता है, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर एक होता है, तो उसके अंदर जो रेडियस है जिसका सेंटर ओ है, दो रेडियस दे रखे हैं, तो 7 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर है, और एंगल एओसी यानी यहां ए है यहां सी है, एओसी का एंगल ये कितने डिग्री है, 40 डिग्री है। ये जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और ये जो रेडियस है ये 14 सेंटीमीटर है। तो हमें शेडेड रीजन कौन सा है, ये शेडेड रीजन निकालना है। तो क्या करेंगे, ये क्या बन रहा है, आप अगर अंदाजा लगा के देखो तो ये बन रहा है सेक्टर और ये भी बन रहा है सेक्टर। तो ये जो लार्जर सेक्टर है उसमें से अगर मैं स्मॉलर सेक्टर माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, शेडेड रीजन बचेगा। देखिए आर वन कैपिटल रेडियस कितना है, बड़ा रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है, और आर टू, आर वन को बड़ा मान लेता हूं और आर टू को मैं छोटा रेडियस मान लेता हूं 7 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास है 40 डिग्री, तो शेडेड एरिया या एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आएगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर का एरिया आपने माइनस करना है, तो लार्जर सेक्टर को क्या लिखूंगा, थीटा बाई 360 पाई आर वन का स्क्वायर, और स्मॉलर में थीटा अपॉन 360 पाई आर टू का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए थीटा 40 डिग्री है, 40 अपॉन 360 पाई 22/7 और ये आ जाएगा 14 × 14। थीटा इसमें भी 40 डिग्री है, पाई 22/7 है, रेडियस इसका 7 × 7। अब दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है तो आप कॉमन ले लीजिए इसको 40 अपॉन 360 22/7। ये बार आ गया तो 14 × 14 196 माइनस ये कॉमन आ गया तो 7 × 7 49। अब ये कैंसिल हो जाता है 0 से 0 19 जाए यानी 22 अपॉन 9 × 7 आ गया। इसमें से माइनस करो 7, 8 में से 4 और 1, इसको कैंसिल कर दो, 7 पे कैंसिल करेंगे 2 और 1 आ जाएगा, 3 पे 3 3 जा 3 7 जा यानी आंसर आ गया 7 की मल्टीप्लाई से करूंगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर दो सेक्टर दे रखे हो तो आप लार्जर सेक्टर में से स्मॉलर सेक्टर माइनस करके आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। एक सम बनता है इसका 14th या 13th सम है इस एक्सरसाइज का, वो आप खुद करके देखोगे, उसमें सेम पार्ट दे रखा है, सिर्फ यहाँ रेडियस आपका 21 है, यहाँ 7 है और एंगल जो दे रखा है वो ओनली 30 दे रखा है, तो सेम सम है, वो खुद आप करके देखो। नेक्स्ट सम आता है स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। यानी एबीसीडी आपको स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, एबीसी एंड एबीडी टू आपको सेमी सर्कल दे रखे हैं, ये देखिए ये आपका स्क्वायर होगा, एबीडी सेमी सर्कल है, बीपी बी पी सी ये आपका सेमी सर्कल है, तो शेडेड रीजन ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो किसका रहेगा,
सेकेंडरी कर रहेगा, मतलब आपके सामने डिटेल दी हुई होगी कि किस में से क्या माइनस किया जाए। देखिए सॉल्यूशंस के अंदर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अगर साइड ऑफ स्क्वायर 14 है तो डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ईच सेमी सर्कल का डायमीटर भी कितना रहेगा 14 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि ये साइड 14 है तो इसका डायमीटर ही है। अच्छा रेडियस क्या रह जाएगा, रेडियस ऑफ ईच सेमी सर्कल का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो डायमीटर होता है उसका हाफ रेडियस होता है। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजंस क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, यानी 2 सेमी सर्कल का हमें माइनस करेगा, क्योंकि दोनों सेमी सर्कल सेम है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, और 2 इंटू में सेमी सर्कल का क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो साइड कितनी है 14 इंटू 14, 2 से 2 कैंसिल, पाई 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, तो क्या आ जाएगा 196 माइनस 7 से 7 कैंसिल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका बचेगा, रेडिट जो शेडेड रीजन जो है उसका एरिया बचेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन वेयर ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक ये सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ, यहां पे इसका वर्टेक्स आपका ओ है, ये आपका वर्टेक्स ओ बनता है, ये ओ ओ फैन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, यानी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपकी जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, और ये एक आर्क के ऊपर आपको एक सर्कुलर आर्क दे रखी है। देखिए टोटल का टोटल इसने क्या दे दिया, शेडेड रीजन दे दिया, तो टोटल शेडेड रीजन दे दिया तो हमें इसके टोटल का फाइंड करना पड़ेगा। टोटल में ये तो होगी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल अलग ही पड़ी है, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये क्या है मेजर सेक्टर है आपका, क्योंकि माइनस जो आपका माइनस सेक्टर बनता है वो यहां बनता है, और ऊपर वाला पार्ट जो रह गया पेंडिंग वो सारा पार्ट क्या होता है मेजर सेक्टर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा टोटल एरिया निकालना है, इसलिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों को ऐड कर देंगे। वैसे निकाल सकते हैं कि पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें, सर्कल में से इसका माइनस सेक्टर का माइनस कर दें और प्लस में ये कर दें तो वो लेंथ ही पड़ेगा थोड़ा, तो हमें पता लग रहा है कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेजर सेक्टर का है, तो उसमें क्या ऐड कर देंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। थीटा हमें दे ही रखा है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है। तो देखिए रेडियस ऑफ मेजर सेक्टर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री है, और साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर है। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो क्या आ जाएगा इक्वल टू में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मेजर सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर, तो 360 माइनस थीटा में कितना दे रखा है 60 डिग्री अपॉन 360 22/7 साइड रेडियस है 6 × 6 प्लस √3/4 इसकी साइड है 12 × 12। देखिए 360 में से 60 गया 300 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 6 × 6 ये 4 3 जा 36 रूट
थ्री आपको दे रखा है। अच्छा, अब इसने रूट थ्री की वैल्यू नहीं दी तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, रूट थ्री की वैल्यू दी होती तो हम इसको सॉल्व करते। जीरो से जीरो कैंसल, सिक्स फाइव जा सिक्स, सिक्स जा सिक्स से सिक्स कैंसल हो गया। इसकी मल्टीप्लाई से करूंगा 110 की 60 करूंगा, 6 से करूंगा 660 आ जाएगा अपॉन 7 प्लस 36 रूट 3। ये आपका टोटल एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि उसने हमें ना तो इसकी वैल्यू दी ना इसकी दी, तो जो अगर वैल्यू नहीं दे रखी तो जितना आंसर आता है हम उतना ही आंसर यहाँ पे छोड़ देते। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स आपका From each corner of a square side 4 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर, a quadrant of circle radius 1 सेंटीमीटर is cut, यानी चारों साइडों से एक एक सेंटीमीटर के चार क्वाड्रेंट जो है वो काट दिए गए हैं, एंड ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, बीच में एक सर्कल है जिसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, वो भी कट किया जाता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है, रिमेनिंग रीजन निकालना है। तो देखिए इसमें क्या बनता है, इसको स्टेटमेंट को दो बार पढ़ लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर में से मैं क्या क्या माइनस करूं, चार तो क्वाड्रेंट माइनस करने पड़ेंगे हमें और एक ये सर्कल माइनस करना पड़ेगा। अगर चारों क्वाड्रेंट और एक सर्कल माइनस कर दूं तो क्या रहेगा रिमेनिंग पार्ट, ये शेडेड रीजन बचेगा। देखिए कैसे, पहले लिखो साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट, प्रत्येक क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ सर्कल, अब बीच में जो सर्कल है उसका डायमीटर कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस क्या बनेगा उस सर्कल का 1 सेंटीमीटर बनेगा। अब एरिया ऑफ शेडेड देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखो क्या बनता है, क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से क्या माइनस करना है भाई, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट का, चार तो क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल भी हमें माइनस करना पड़ेगा उसके अंदर से। साइड एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, साइड इनटू साइड या साइड स्क्वायर में लिख सकता हूं, 4 क्वाड्रेंट का है, ये ध्यान रखना कि क्वाड्रेंट हमारे पास 4 है, तो 4 इनटू में क्वाड्रेंट्स का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस की वैल्यू पुट करो, इसकी साइड इनटू साइड मतलब 4 इनटू 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, 22/7 इसका रेडियस 1 into 1, 22/7 इसका रेडियस 1 into 1, यानी 16 माइनस 22/7 और माइनस 22/7, 7 एलसीएम ले लो, 7 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2, ये 22 ये 22, यानी 1 1 2 में से कितना माइनस हो गया 44 अपॉन 7, तो कितना रह गया 12 में से 8, 10 में से 6 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बचेगा शेडेड रीजन बचेगा। नेक्स्ट हम अदर स्टूडेंट्स, इन ए सर्कुलर टेबल कवर रेडियस 32 सेंटीमीटर है, ए डिजाइन फॉर्म लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इन द मिडल एज शोन, फाइंड एरिया ऑफ द डिजाइन। कहने का मतलब क्या है कि सर्कल दे रखा है, सर्कुलेशन टेबल है, टेबल के ऊपर बिछाने वाला एक डिजाइन है हमारे पास, उसके अंदर से मिडिल में से एक एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस की गई है, हमें ये एरिया निकालना है जो शेडेड रीजन का बचा हुआ है। तो क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से मैं क्या माइनस कर दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, लेकिन सर्कल का रेडियस तो हमें 32 दे रखा है, यानी रेडियस ऑफ सर्कल हमें दे रखा है कितना है 32 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, साइड नहीं है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, माइनस कैसे करूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड नहीं है, क्योंकि साइड होती फिर तो मैं रूट 3/4 साइड स्क्वायर माइनस कर देता, अब साइड है नहीं, साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ये जो OB जो है
ये बाइसेक्ट कर रही है, एंगल जो ओ बी सी है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल बी को, एंगल बी का हाफ है, तो यानी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया ये एंगल, 60 तो था ही, 30 डिग्री ये एंगल हो गया आपका। यहां से आप ओ एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी करो, परपेंडिकुलर करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी एम इक्वल टू एम सी हो जाएगा, यानी ये उसको टू पार्ट में डिवाइड करेगा। अब मैं अगर बी एम निकालू, ये एम पार्ट है, बी एम हमें निकालना है और दे क्या रखा है ओबी, तो ये एंगल दे रखा है, इसका मतलब ये बेस है, ये क्या है हाइपोटेनियस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह हमारा कितना है 30 डिग्री है, क्योंकि हमने बाइसेक्ट करके एंगल लिया, पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो बीएम हमें निकालना है, ओबी हमारे पास 32 दे रखा है और कॉस 30 की वैल्यू होती है रूट 3/2, यानी बीएम आपके पास क्या हो जाएगा इधर जाके 32√3/2, यानी 16√3 हो गया। हमें क्या चाहिए, पूरा बीसी चाहिए, बीसी क्या है बीएम प्लस एमसी है, और हमें बीएम किसके इक्वल दे रखा है एमसी के इक्वल दे रखा है, तो इसका मतलब बीसी इक्वल टू क्या है 2 बीएम है, तो बीसी इक्वल टू 2 बीएम की वैल्यू कितनी है 16√3, यानी 32√3, ये बीसी आ गई, बीसी का मतलब क्या आ गया, ये साइड आ गई 32√3। तो इस तरीके से पहले हमें साइड फाइंड करनी पड़ेगी, साइड फाइंड करके अब निकालिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या बताया था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इक्विलैटरल का √3/4 साइड स्क्वायर होता है, अच्छा पाई का मतलब पाई बाय 22/7 हो गया, इसकी साइड हमें दे रखी है 32 इंटू 32 रेडियस हमें दे ही रखा है, अच्छा −√3/4 हो गया, 30 साइड कितनी है 32√3 × 32√3, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके अपॉन में क्या आएगा 7 आएगा, अच्छा करते हैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई, यहां से ये कट गया 8 पे, 8 की से करूंगा 8 2 16 और 1 रह गया, ये 8 3 24 और 1 25, अच्छा इस रूट से रूट कट के ये 3 आ गया, यहां आ गया √3, अब इनकी प्रोडक्ट हमें करके देखनी है कि कितनी आएगी, 22 की 32 के साथ 32 × 32 कर लो 1024 हो गया, इसकी 4 2 8 4 20 इंटू में आ जाएगी आपकी 8 2 2 4 02, यानी 8 2 5 2 2, यानी 22 5 8 22 5 2 8, यानी 22 5 2 8 अपॉन 7 माइनस इसकी इससे करूंगा 6 3 8 हो गया 18 1 आ गया 15 और 1 16 6 और 1 7 √3, ये टोटल का टोटल आपका एरिया इतने का इतना ही आएगा, क्यों, क्योंकि √3 की हमें वैल्यू दे नहीं रखी, अगर दी होती तो आपस में कैंसिल करके हम वो वैल्यू निकाल सकते। नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स इन गिवन फिगर ए बी सी डी, ये आपको फिगर दे रखा है ए बी सी और डी, इज ए स्क्वायर ऑफ द साइड 14 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर और ऑल साइड इसकी इक्वल होती है स्क्वायर की और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है विद सेंटर ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी सेंटर में क्या दे रखा है 4 सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ए पे सर्कल हो गया, बी पे सर्कल हो गया, सी पे सर्कल है और डी पे सर्कल है, इस तरीके से सर्कल टच एक्सट्रीमली 2 of the remaining 3 सर्कल, बाकी 2 सर्कल को टच करता है, जैसे ये सर्कल है तो ये इसको और इसको टच करता है, ये सर्कल है ये यहां और यहां टच करता है, तो 3 सर्कल को फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी इसका एरिया निकालना है,
तो क्या आएगा, पूरे सर्कल में से अगर मैं इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं, या चार अगर मैं यहां सेक्टर बोलूं तो चारों सेक्टर्स का अगर माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, शेडेड रीजन बचेगा। देखिए सॉल्यूशन में साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि जो साइड है उसको हाफ पार्ट मान के उसने सर्कल ड्रॉ किया है, तो पूरा तो इसका डायमीटर होगा, ये अपने क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर सेक्टर, चार सेक्टर का एरिया माइनस करना है, तो इसका तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है, और फोर सेक्टर का है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी साइड इनटू साइड 14 × 14 होगी, 4 इंटू में थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री है, दे नहीं रखा उसने, लेकिन हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है उसका ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो 90 अपॉन 360, 22/7 रेडियस है 7 × 7, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा 196, 0 से 0 4 से 4 कैंसिल, और 7 से 7, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा 154 आ जाएगा, यानी माइनस करूंगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या बचेगा, शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट्स, इन ए गिवन फिगर ए रेसिंग ट्रैक हुज लेफ्ट एंड राइट एंड सेमी सर्कल है, यानी लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों साइड में आपको सेमी सर्कल दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन, ये जो दोनों पैरेलल लाइन है इनका डिस्टेंस 60 मीटर है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 60 मीटर का है, यानी इनर अगर मैं रेडियस की बात करूं, डायमीटर की बात करूं, तो इनर डायमीटर 60 मीटर है आपके पास, और द ट्रैक 106 मीटर लॉन्ग है, ये लेंथ जो है 106 मीटर है, ट्रैक इज 10 मीटर वाइड है, यानी ये जो विड्थ दे रखी है ये 10 मीटर दे रखी है, दो चीजें निकालनी है, द डिस्टेंस बिटवीन अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज, एक तो इनर एज जो बनता है उसका ट्रैक निकालना, यानी ये जो इनर एज है इसकी हमें लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है कि अगर इनर हम ऐसे चलें तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, दूसरा एरिया निकालना है, तो पहला पार्ट में लेके चलूंगा, सबसे पहले पार्ट के सोल्यूशन के लिए, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, सिर्फ इतना पार्ट एक बार मैं करूंगा, इससे पहले इनर डायमीटर कितना है हमारे पास, इनर डायमीटर है 60 मीटर और रेडियस कितना हो जाएगा आपका, 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें सेमी सर्कल दे रखा है तो श्योर है कि सर्कमफेरेंस को हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए रेडियस चाहिए, एक तो आ जाएगा ये लेंथ इनर की 106 प्लस ये लेंथ 106 प्लस, दो तो इनर की लेंथ हो गई, उसके बाद सर्कमफ्रेंसिस ऑफ टू सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंसिस हमें निकालनी है, तो ये तो हो गया 212 प्लस 2 सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंसिस, सर्कल का क्या होता है 2πr होता है, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, यानी 212 प्लस 2 इंटू में 22/7 और रेडियस हमारा कितना है 30 मीटर है, तो अब इसका एलसीएम आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 7 और 1 = 8, 7 × 2 = 14, इन तीनों के मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, 6 × 2 = 12 और 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4082/7 मीटर, ये टोटल इनर लेंथ आ जाएगी आपकी,
तो ये तो था पहला पार्ट जो हमें इनर लेंथ निकालनी थी, इनर एज की लेंथ निकालनी है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। दूसरा फाइंड करना है एरिया, इसके लिए मैं इसको एक बार रिमूव करता हूं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आता है हमारा एरिया ऑफ द ट्रैक। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए, एरिया ऑफ द ट्रैक में एक तो आउटर रेडियस कितना होगा, इनर रेडियस कितना था 60 था, 10 मीटर का ट्रैक इधर बढ़ा है और 10 मीटर का ट्रैक इधर बढ़ा है, यानी 20 मीटर बढ़ गया, तो कितना हो गया 80 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। अच्छा, इनर डायमीटर भी कह सकते हैं, इसको हम टोटल विड्थ भी कह सकते हैं। और इनर रेडियस, आउटर रेडियस कितना आएगा हमारा 40 मीटर आ जाएगा। और इनर रेडियस कितना है, इनर डायमीटर की भी जरूरत पड़ेगी, 60 मीटर है और इनर रेडियस छोटा आर लेंगे 30 मीटर आ जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे बनेगा, ध्यान से देखना पूरा अच्छी तरह से। एरिया ऑफ ट्रैक में आप देखो, एक तो दो तो हमारे पास बन रहे हैं रिक्टेंगल, अगर आप ध्यान दो तो क्या बन रहे हैं रिक्टेंगल, कौन से, एक तो रिक्टेंगल है ए बी जी एच प्लस, ये रिक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ बनेगा। दूसरा रिक्टेंगल, ये रिक्टेंगल दूसरा बनेगा सी डी ई एफ, ये रिक्टेंगल बनेगा दूसरा, ये रिक्टेंगल बना आपका पहला। तो यानी ये तो रिक्टेंगल का एरिया आ गया, क्योंकि हमें शेडेड एरिया निकालना है, शेडेड निकालना है, ये दोनों पार्ट शेडेड है, इनकी तो बात ही खत्म हो गई। प्लस में अब देखो, ये इतना इतना बनता है आपका, ये जो कैपिटल है ना, कैपिटल पार्ट मतलब बड़ा जो आपका सेमी सर्कल बन रहा है, उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा, ये स्मॉलर सेमी सर्कल माइनस कर दूंगा। तो बड़े सेमी सर्कल में से स्मॉलर माइनस करूंगा, इधर भी बड़े में से छोटा करूंगा, दोनों साइड से रेडियस तो इनका आउटर भी सेम है और स्मॉलर भी सेम है, तो मैं टू इंटू में एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल माइनस कर दूंगा मैं, और दो से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों पार्ट का इकट्ठा ही निकल जाएगा। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, ये भी क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, टू इंटू में। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/2 πr² होता है, तो 1/2 π कैपिटल आर स्क्वेयर लगाऊंगा और यहां पे 1/2 π स्मॉलर आर स्क्वेयर लगाऊंगा मैं। देखिए इसकी लेंथ कितनी है 106, ब्रेथ कितनी है 10 है, इसकी भी लेंथ 106 इंटू में 10 आ गया, प्लस में 2 इंटू में। अच्छा, 1/2 π कितना है 22/7 है, कैपिटल आर कितना है हमारा 40 इंटू 40 और 1/2 22/7 इनर रेडियस कितना है 30 इंटू 30 आ जाएगा। अब ये आ गया 1060 प्लस 2 इंटू में, देखिए 2 पे कटेंगे 11 और 2 पे कैंसिल करूंगा 11, यानी 11/7 कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहां से भी और यहां से भी, यहां क्या रह गया 1600 रहेगा और यहां से माइनस करूंगा तो 900 रह जाएगा। देखिए इन दोनों को ऐड करूं, 0 2 कैरी 1 आ गई, 1 आ गया और 2 आ गया, प्लस में 2 इंटू में 11/7 और इसमें से माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 700, तो 7 को काटेंगे 100 पे, यानी कितना आ गया 2, इन दोनों को ऐड करो यहां पे 2120 प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करो 22 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, 2200 आ गया, ये टोटल ऐड करूंगा 4320 मीटर स्क्वेयर आपका टोटल एरिया आ जाएगा, किसका, इस ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रैक का एरिया जो हम फाइंड कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी सम है, इसको एक बार नहीं दो या तीन बार जब आप इसको चेक करोगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। जो समझ में ना आए तो उसको छोड़ना मत, उसको दो या तीन बार देखो, हम वीडियो हमारा बनाने का एक ही मकसद है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सम दो या तीन बार चेक कर सके। क्लास में आपको टीचर एक बार करवाता है, फिर दो बार करवाता है, फिर समझ में नहीं आता, हमारा वीडियो बनाने का मकसद या ऑनलाइन क्लास
क्लासेस का मकसद एक ये है कि आप उस सम को बार बार चेक करें कि कहां प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाए। तो ये हमारा आज का जो पार्ट था 10th क्लास में 12.3 एक्सरसाइज के 8 सम किए हमने। 8 सम अभी पेंडिंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो बाकी वीडियो की तरह भी आपको बहुत अच्छी तरह से लाइक करोगे आप, पसंद आएगी, और एक एक सम जो हम आपको करवा रहे हैं उसका पूरा लुत्फ आप उठाओगे। तो आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नुनियावाली देखा और वकील गुदारा को सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।